भोपाल संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन बल्ली ने एक नई पहल की है। उन्होंने देवी देवताओं की फोटो बीड़ी और अगरबत्ती घी के डब्बों पर छापती है उसे बंद किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर से मांग की है। अविलंब फोटो छापना बंद किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दुकानों और जो फैक्ट्रियों में चला रहे हैं उनका मुंह काला करेंगे। वहीं उन्होंने हिंदू भाई बहनों से अपील की है कि ऐसी चीज़ें ना खरीदें जिस पर देवी देवताओं की तस्वीर छपी हो, इसमें देवी देवताओं का अपमान होता है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुजारिश की है कि आपने पटाखों पर तो देवी देवताओं की मूर्ति छापने पर रोक लगा दी है, लेकिन जल्द से जल्द बीड़ी और अगरबत्ती के डब्बे और घी के डब्बे जो कि अन्य सामान पर देवी देवताओं की फोटो छपी है वह भी बंद किए जाएँ। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सरकार ने देवी देवताओं के जो बम आते थे फोटो पे उनको रोक किया है, क्या आप उसकी पहल में आगे बढ़ेंगे? जी, संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश की या शहर की कोई भी जन समस्याएं होती हैं, ऐसे मसाइल हम लोगों के सामने आते हैं तो उसमें बोलते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि खाली लक्ष्मी बम पे क्यों जा रहे हैं आप? गणेश बीड़ी आती है, पेपर में एड जाते हैं, घी के डब्बे में कृष्ण जी की फोटो जाती है, आइसक्रीम पे जाती हैं, तो ये इन चीज़ों पे क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का आदर सम्मान है, देवी देवताओं का सम्मान है, तो फिर ये व्यवसाय के लिए भगवान के चित्रों का फोटोओं का जो यूज़ कर रहे हैं, ये वन टाइम यूज़ की चीज़ों पे भगवान के देवी देवताओं के फ़ोटो लगाकर जिस तरह से ये धंधा कर रहे हैं, अपने धंधे को चमकाने के लिए भगवानों की फोटो लगा रहे हैं, इससे क्या होता है कि आइसक्रीम हो या बीड़ी का मंडल हो या पेपर हो या घी का डब्बा हो, लक्ष्मी बम हो, ये वन टाइम यूज़ वाली चीज़ है। इससे आदमी यूज़ करता है, फेंक देता है, पेपर पड़ता है, एक 20 मिनट के लिए पेपर हाथ में लेता है, फेंक देता है, उसमें तस्वीरें जाती है तो अनादर होता है, पैरों में आता है। तो मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से और ज़िले के कलेक्टर साहब से और एसएसपी साहब से, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से, नगर निगम प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ऐसे तस्वीरों को वन टाइम यूज़ वाली चीज़ों पे भगवानों के देवी देवताओं के अगर फोटो लगा के धंधा करते हैं तो इनका सामान जब्त होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई मुहिम चलाएंगे क्या आप, दुकान या दुकानदार या उनसे बोलकर कि इस तरीके की जो फोटो छाप रहे हैं उस पर रोक लगाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं चलाएंगे सब। हम लोग संयुक्त संघर्ष मोर्चा में हम सभी तरह के सभी समाज के लोग शामिल हैं और इसको हम शिद्दत से, ताकत से हम रोड पर लाकर संघर्ष करेंगे। अगर एक बार में समझाने में समझ में नहीं आएगा तो मोर्चा और मोर्चा के कार्यकर्ता उस व्यापारी का जो इस फोटो का, तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उनका मुंह काला करने का काम करेंगे हम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनम्र आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अविलंब देवी देवताओं के जो दुकान वाले अपने धंधा चमकाने के लिए अपमान कर रहे हैं उन पर अविलंब रोक लगाई जाए, जिससे कि एक देवी देवताओं का जो स्थान है उनको स्थान पे रहने दें। हम अपने वन टाइम यूज़ के लिए उनका, देवी देवताओं का, कृष्ण भगवान का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। अभी भी दिवाली का मौका है, लक्ष्मी बम है, गणेश बम है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।